हेलो जी, कैसे हो आप सब? हम लोगों से बहुत कुछ बातें भी करनी है, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ चीज़ें शेयर करनी है, आप लोगों की राय लेनी है। हम लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या बनना है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। सुबह से आज किसी ने खाना नहीं खाया है। हेमंत को तो खाना खिला दिया था ना मैंने, ना जेठू जी ने। तो अभी फिर हम सब ने यही डिसाइड किया है कि खाना तो खाना पड़ेगा। तो करें, एक मिनट रुक बेटा, आवाज़ मत कर, कढ़ाई देते मुझे। तो हमने ये सोचा है कि खाना तो खाना पड़ेगा। तो और जेठू जी को पसंद है आटे का हलवा, उनके लिए मैं आटे का हलवा और गर्म गर्म पकौड़ियाँ बना रही हूँ, प्याज की पकौड़ी। क्योंकि फिर सावन लग जाएगा, चार जुलाई से सावन लग रहा है। तो सावन में प्याज व्याज नहीं बनता है हमारे घर पर। और पता नहीं मैं फास्ट करूँगी नहीं करूँगी, नहीं पता अभी तक कुछ, क्योंकि मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं है अभी हम। हेमंत को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, क्या होगा उसका फ्यूचर, कैसे क्या है। एक माँ हूँ तो उसको हॉस्टल में भेज नहीं पा रही हूँ यार। अभी हॉस्टल का डिसीजन मेरा, आप लोगों ने देखा ही है पिछले दोनों ब्लॉग में, बहुत रोई हूँ। और मैं क्या, इसके पापा भी बहुत रोए हैं। तो हम दोनों ने काफ़ी चीज़ सोची है कि क्या करें क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं। तो फिर यही सोचा है कि यार देखते हैं स्कूल कैसे क्या करें। अब कल नहीं, परसों से हेमंत की स्कूल खुल रही है, मतलब मंडे से हेमंत की स्कूल खुल रही है। परसों से खुल रही है हेमंत की स्कूल और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं। बट ठीक है, ज़िंदगी का पहाड़ पड़ाव है ये भी, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। बट सुबह से किसी ने भी कुछ खाया नहीं है, तो मैं यहाँ पर सबके लिए बना रही हूँ हलवा। शायद अच्छा नहीं बनाया, पता नहीं कैसा बना है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, मेरा भी मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो जेठू जी को हलवा और पकोड़े खाने हैं, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। बट प्याज बाद में ले लेंगे, पहले हम लाला को हलवा ठंडा करने रखे हुए हैं, पहले लाला को खिलाएंगे, उसके बाद होगा। और हमारी लाइफ का क्या होगा क्या नहीं, हेमंत हॉस्टल जाएगा क्या, कुछ नहीं पता। ये बना के पहले जेठू जी को खिलाती हूँ, फिर उनसे बातें करती हैं, तब मिलते हैं हम। ये देखिए, आज कुछ मूड अपसेट सा था, अपसेट सा चल ही रहा है, पर थोड़ा ज़्यादा अपसेट सा था। तो खाने वाने का ज़्यादा मन नहीं हो रहा था। तो सहिता जी गई, खूब गई है किचन में, गई मैं लेके आती हूँ पकोड़े वकोड़े बना के, स्नैक्स बना के, हलवा बना के, आप खा लो, खाना तो है ही, खाएंगे ही, हलवा तो शौक से खाएंगे, पर थोड़ा प्रेशर चल रहा है। तो इसलिए देखो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखिए वो आने वाली है, ये देखिए पकौड़े हलवे लेके। ये लो हलवा और पकौड़े। कितना बनाया है यार, आपने भी नहीं खाया, हेमंत ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। आपको पता है मैं पहले बार जो हलवा बनाई वो पूरा गंदा हो गया। सोचो दिमाग से कितना कितना प्रेशर लेके चल रही थी, बनाई नहीं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी तो बन गया और लुक लाइक ये हम दिख रहा है, पता नहीं टेस्ट में क्या होगा। तो खाओ, दो मुझे कैमरा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैंने पहले हलवा बनाया था वो, ये देखो ये हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। मतलब पूरे हलवे में ना ये ऐसे हो गया और बिल्कुल भी टेस्टलेस हो गया। तो फिर मैंने दोबारा बनाया। दिमाग में जो प्रेशर होता है ना उसका ये है, सोचो कि हम नहीं कर पाते हैं सब कुछ, मैनेज नहीं होता है यार। पापा खाना क्यों नहीं खा रहे? खाओ तो आप। हाँ पापा को भी खिला और तू गरम है बेटा, गरम है, रुक जा। गरम है बेटू, तू भी खाना और मुझे बताओ माँ ने कैसा बनाया। पापा के मुंह में फूंक दो। अब देखो ये ऐसी इसकी जो हरकतें हैं उसको मिस नहीं करूं, इसको कैसे हॉस्टल भेज दो यार, मेरे जान का टुकड़ा है ये। अब आप भी खिलाओ हेमंत को। फू दो हेमंत, कैसा बना है? गरम है, हलवा गरम नहीं, चम्मच गरम बेटा। हेमंत कैसा बना है? एक नंबर। अच्छा तू सच में हॉस्टल जाएगा? नहीं तेरे का हॉस्टल नहीं भेजूंगी मैं, फिर मैं दिन भर रहूंगी। सो इसके बाद जो क्लिप दिखाऊंगी ना मैं आप लोगों को, कोई प्री प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं किचन में काम कर रही थी और हेमंत ने व्लॉग में क्या क्या बोला मुझे भी नहीं पता है। जब मैं इधर आओ आप, ठीक है। मैंने भी जब एडिटिंग करने बैठी ना तब मुझे पता चला कि इसने हेलो गाइस,
तो ऐसे करके उसने किया था, कुछ भी आइडिया नहीं है, आप लोग पूरा देखना जरूर, ठीक है। और ये ऐसा कोई प्री प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, सो आप लोग देखना, कोई गलत कमेंट मत करना, मुझे मेरे बेटे को खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग जरूर देना। हेलो गाइस, आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं। मेरी माँ पिछले 10 दिन से खाना तो खाती है, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा खा पाती है, आधी रोटी, क्योंकि जब से उन्हें मेरे, मैं 10 दिन से पता चला है कि मैं हॉस्टल जाने वाला हूँ, पिछले 10 दिन से तो रोती जा रही है, मतलब पूरे टाइम उदास रहते हैं। चलो आज उनको मस्ती करते हैं उनके साथ। टूटे हैं इस तरह से आवाज तक न आए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। बहुत कुछ चल रहा है पता ही है आपको, आपसे शेयर हो ही रहा है, दूसरा ब्लॉग है कंटिन्यू, इस पर तो डिस्कस करते हैं, तीसरा ये तीसरा ब्लॉग है, देखो कंटिन्यू डिस्कस आपसे हो ही रहा है। अभी तक हम किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचे, और शायद समय लगेगा हमको डिसीजन में पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हम सबसे जितने भी नॉन है, जो लोगों ने अलग 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 लाइफ स्टाइल जी है सब ने, कोई माँ बाप के रोल में है, कोई आज की डेट में बच्चे के रोल में, कोई बच्चे के रोल में रह चुका है, जो भी हमारे नज़दीकी लोग हैं, जो भी आपके नज़दीकी लोग हैं, जो अपनी जान पहचान के लोग हैं जिनसे हम बात कर पाते हैं फ़ोन पर, उन सबसे बातें कर रहे हैं, उन सबसे रिव्यू राय ले रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो जिस जगह पर सही जगह पर पहुँचेंगे उसके बाद ही फाइनल बताएंगे, अभी तो शायद जो चल रहा है वो कंटिन्यू चले। अभी हम है ना दो नाव पे सवार है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मे बी हेमंत गुड़गांव पढ़े, मे बी हेमंत हॉस्टल जाए, मे बी हेमंत नोखा है, मे बी हेमंत नोखा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है। हर दिन की शुरुआत एक नई नई जर्नी लेके आती है, नई चीज मान लीजिए, नई टेंशन लेके आती है, ये भी है। सुबह बैठ के सबसे पहला कॉल जिसको कर लेते हैं, जिनसे बात कर लेते हैं, वो जिस हिसाब से हमें गाइड करते हैं, सब अपने हिसाब से बेस्ट बेस्ट। हम ये सोच रहे हैं कि यार कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं डिसीजन ले जिससे हमारे बच्चे का, आ जा बेटा, जिससे हमारे बच्चे का फ्यूचर पे कोई इफेक्ट हो, मतलब मैं तो होगा, मैं अगर हॉस्टल डालूं तो मेरा बच्चा मेरे से दूर ना रहे, इफेक्ट तो रुक नहीं सकता, जो होगा ही होगा। मतलब हॉस्टल डाले और बच्चा भी प्रेशर फील कर रहा है ऐसे ये मेरा बच्चा है, देखो बच्चा भी प्रेशर फील कर रहा है, एक्चुअली बहुत छोटा है अभी तक, ये बड़ा नहीं हुआ है, इसकी मस्तियां खत्म नहीं हो रही है, ये बहुत बहुत प्यार करता है अपने माँ पापा को, ये अपने माँ पापा को बहुत प्यार करता है, और अपने माँ पापा को बहुत प्यार करता है, और शायद मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँ, क्योंकि शायद रहना पड़ जाए, मैं रह नहीं पाऊँ, इसका तो कुछ नहीं कह सकते आप, मैं कोई भी पता नहीं होगा, इसको जैसा भी होगा जो होगा बस अच्छा होगा, जो करेंगे अच्छा करेंगे, देखते हैं। आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत नीड है, भर भर के दुआएं करना, आप सिर्फ अपने मंदिर में जाके ये बोल के जरूर आना
कि जो भी डिसीजन लें हम एज ए पेरेंट कि हेमंत के लिए उसके लाइफ के लिए बेस्ट हो डिसीजन, बस तो बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर आ रहा है मेरे, शायद इसकी वजह से मैं हर चीज़ से कटी हुई हूँ। आप मेरा फेस भी देख रहे हो, ये मेरा बच्चा रे। देखो रील्स भी नहीं आ रही है इंस्टा पे, मैंने इंस्टा पे रील्स भी नहीं डाल रही, मेरा 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 कुछ नहीं मन हो रहा है। और मैंने ना हमेशा ये होता है कि मेरी शक्ल बता देती है कि मैं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो मेरी ज़िंदगी अब आप लोगों के सामने है अभी। और मेरी चाय की क्वांटिटी के मैं कितनी बार पी रहा हूँ और रात को कितने बजे हैं हम आपको बताते हैं। वेट है मिनट, तीन से भी ज़्यादा हो गई है, एक ही मिनट, चार, ठीक है, चार बजे हैं और हम लोग अभी तक सोए नहीं हैं, हम लोग अभी तक सोच रहे हैं, इनके लिए चाय बना के लाई हूँ, ये चाय पी रहे हैं और अभी तक हम लोग यही सोच रहे हैं क्या करें क्या ना। मतलब ये मान लो नींद उड़ गई है, खाना चला गया है, भूख खत्म हो गई है, जिंदगी रुक सी गई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं। कायदे से हमें ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए या ये चीज़ कोई शेयर करने के इतने लायक भी नहीं है, लोग लुक्स के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं हमारे पास और कुछ है भी नहीं शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे चल ही रहा हमारे इर्द गिर्द सिर्फ एक ही बात, एक ही माहौल, सब कुछ ये एक ही चीज़ चल रही है। और यार आप लोग भी हमारी फैमिली हो, हम अगर आपको अपनी फैमिली है, और मेरा ये मानना है कि अगर अपनी फैमिली के साथ सुख शेयर किया जाता है ना, तो फैमिली का राइट होता है कि जब आपकी परेशानियां भी जाने, जब वो आपकी परेशानियां भी जाने, सारी फैमिली, आप भी फैमिली और मेरी खुद की भी फैमिली। अच्छा आप लोग एक रिव्यू दो, आप सब लोग एक रिव्यू दो आप, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई लिमिटेड, मतलब एक कैटेगरी के लोग, हम सब लोग एक तरह, सब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, किसी ने पढ़ाई कहीं की है, किसी ने पढ़ाई कहीं की है, कोई पढ़ाई कर चुका है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कहीं, आप एक लोग रिव्यू, आप रिव्यू दो 10 साल के बच्चे के लिए हॉस्टल जाना, 10 नहीं 9.5 साल, 9.5 साल के बच्चे को हॉस्टल भेजना या हॉस्टल जाना सही है या नहीं, या बच्चा इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है आप सब या, जैसे जैसे मान लीजिए कि भाई पॉजिटिव है कि वो डिसिप्लिन में आ जाता है और आ जाता है, हाँ अच्छी बातें हैं, पढ़ाई में ध्यान बढ़ जाता है, और नेगेटिव ये है कि अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट खत्म हो जाता है। हम बहुत बहुत अलग अलग, मतलब एकदम से धर्म संकट में है, बहुत ज्यादा धर्म संकट है कसम से, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मेरी जिंदगी चल रही है अभी। ये आपके रिव्यूज देने चाहिए, सबके काम आएंगे आगे, आज जिस स्थिति में हम हैं कल कोई और होगा, हर कोई होगा, क्योंकि हर दौर से गुजरना पड़ता है इंसान को। हम बच्चों का रोल जी चुके हैं, हम आज माँ बाप के रोल में, उस टाइम हमारा अलग था, उस टाइम हम माँ बाप को परेशान करते थे क्या फर्क पड़ता है, भेज दो खेलने दो क्या फर्क पड़ता है, आज हम माँ बाप के रोल में, हमें उनकी तकलीफें महसूस हो रही है, उनके दर्द महसूस हो रहे हैं कि यार हमने उनको कितनी तकलीफें दी थी, एक्चुअली उनके लिए निर्णय लेना कितना भारी होता था। तो अब आपके लिए आप लोग अपना भी रिव्यू और कोई भी आगे देखेगा उसके ये चीजें काम आएगी कि यार आप लोग फैमिली हो, आप लोग ये चीज जरूर और हमारे भी काम आएगी कि देखते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग मतलब जेन्युइन देना, कुछ भी कोई भी गलत वर्ड्स गलत कमेंट मत करना, हम हमारी जिंदगी में वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है कसम से बोल रही हूँ, बस डीमोटिवेट मत करना, हाथ जोड़ के दिल से रिक्वेस्ट है, मोटिवेट कर सको तो मोटिवेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि फैमिली सबके घर होती है, सबके प्यार होते हैं, आप लोग हमारी बहुत फैमिली है। मैं आपको आके कुछ गलत बोलूं या बिना ही रीजन के आप मुझे गलत बोलो तो फिर वो सुनेगा कौन, इसको इग्नोर करेंगे और क्या होगा, मैं आपको कुछ गलत बोलूंगा आप मुझे इग्नोर ही करोगे और क्या करोगे बताओ, तो ये तो कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन आप अपनी जो भी आपकी राय है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है या जिस भी दौर से आप गुजर रहे हो, तो आप अपना लिख के उसमें देना जरूरी हो कि क्या करना चाहिए, क्या 9 साल 9.5 साल के बच्चे को हॉस्टल भेज देना चाहिए या रुकना चाहिए या नहीं, या आगे 2 साल बाद भेजे, या क्या लेना चाहिए डिसीजन, आप लोग जरूर गाइड कीजिएगा। सो ये वाला व्लॉग एंड कर रहे हैं, रात के करीब में 4 बज रहे हैं और जेटू जी चाय पी रहे हैं, तो सोच लो हम किस टेंशन किस दौर से गुजर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ। मैंने राजा एक मिनट आपको मैंने टाइम दिखा दिया, 4:04। सो बस आप लोग प्लीज अपना खूब सारा ब्लेसिंग देना, खूब सारा प्यार देना, मर्जी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं मर्जी हो मत करना, बट हमने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।